सभी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मंचा सीन हमारे साथ, हम सबके बहुत बहुत आदरणीय हमारी बड़ी दीदी परमादरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय साजन भैया, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सच्चिदानंद जोशी जी, हम सबके बीच यहाँ पर उपस्थित विभागाध्यक्ष कला निधि डॉक्टर रमेश चंद गौड़ जी, हम सबके भाई हेमंत शर्मा जी, और इस पूरी इसको एक पुस्तक, एक विचार को एक पुस्तक का आकार देने वाले शिवेंद्र कुमार सिंह और गिरजेश कुमार जी, और प्रभात भाई जो भी निकल गए यहाँ से, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो एक इससे एक विचार को पुस्तक का आकार देने के लिए, रूप देने के लिए। ये दो बातें अलग अलग आज कहना चाहूँगी। पहली बात तो राहगीरी के बारे में, राहगीरी के बारे में स्वयं शिवेंद्र ने बहुत कुछ बताया, भैया ने बताया। शिवेंद्र से मेरा परिचय व्यक्तिगत नहीं था, मैं उनको राहगीरी के प्रस्ताव से ज़्यादा जान पाई, और मुझे ये बात इतनी अभिभूत कर गई कि एक व्यक्ति जो पत्रकार है अपनी बंधी बनाई नौकरी छोड़ करके एक विचार के संग जुड़ना चाहता है, और विचार ये है कि हम शास्त्रीय संगीत को जन जन तक ले जाएं। ऐसा नहीं कि इसके पहले काम नहीं हुआ है, सरकार कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, कुछ तो बड़ी नामचीन संस्थाएं जो कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जिद थी। और मुझे याद है शिवेंद्र जब पहली बार मुझसे मिलने आए, 2013 की शायद बात है, 14 की, और शिवेंद्र ने कहा कि अपने आप को मैंने 2 साल दिए, नहीं कुछ कर पाया तो वापस चैनल में चला जाऊंगा। मुझे ये बात, क्योंकि अपनी धुन पे या अपने विश्वास पे जो लोग कायम कर रहते हैं वही लोग इतिहास रच पाते हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं अपने विश्वास को या अपने ख्याल को एक मूर्त रूप दे पाते हैं। और इनको इतना खूबसूरत एक साथ एक सच्चे कलाकार का है, गिरजेश भाई को मैं बार बार कहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको स्थायी मंच नहीं मिलता या जिनको सार्वजनिक रूप से उतनी मान्यता बतौर कलाकार नहीं मिल पाती है, लेकिन मैं मानती हूँ गिरजेश जैसा चैन, सुकून और ठहराव बिरले कलाकारों की गायकी मैंने देखा, जितना अच्छा आप गाते हैं। मेरी हार्दिक संवेदना आपके साथ है, आपके पिता अभी भी नहीं रहे, लेकिन यही जीवन है, देना लेना का ऋण ईश्वर अपने पास इसे ऐसे ही रखता है, हमें हर पल याद दिलाता रहता है कि हम सबसे ऊपर वही है, कुछ देता है तो कुछ बहुत प्रिय छीन भी लेता है। अब इसके बाद एक अपनी व्यक्तिगत बात, वो ये कि जब से मैंने शास्त्रीय संगीत अपने गुरुओं से सीखना शुरू किया, वो समय वो था जो साथ ही साथ विविध भारती और रेडियो सेलन साथ साथ चलता था, गुरु की शिक्षा भी चलती थी, और सुबह रेडियो श्रीलंका, दिन में विविध भारती और उर्दू सर्विस, सब साथ साथ। मेरी माँ को बेतहाशा वो दिन भर रेडियो चलता था, चाहे उसमें देवकी नंदन पांडे जी समाचार सुनाए या हम विजय लक्ष्मी जी से कुछ गानों की फरमाइश सुने, जवानों के लिए प्रोग्राम सुने, फिल्म के संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों साथ बसाथ। मुझे लगता है कलाकारों का एक चिंतन भी होता है, जो बंदे सीखते हैं, जो गानों को सुनते हैं उस पर अपना अपना भी कुछ सोचते जाते हैं। और मैं सोचती थी, अरे देखो जो बंदिशें गुरुओं से सीखी वो फिल्मों में भी गई हैं, चाहे वो जा जा रहे अपने मंदिर वा हो या फिर मत जा जोगी, ये भी हमने देखा जाते रहो में नरगिस जी, अंत में लता मंगेशकर जी उसको जो समापन उस फिल्म का, या हमने देखा चूंकि आई बदरिया, वो भी बंदिश के रूप में गौड़ मदार के जस के 10 फिल्मों में गई। थोड़ी बड़ी हुई तो स्वामी फिल्म आई, उसमें का करूं सजनी को ठुमरी रूप में देखा भैरवी में, तो ये लगा कि पता नहीं क्यों उस्तादों गुरुओं से या आम फैम एक राय सुनती आई हूँ कि फिल्मों और शास्त्रीय संगीत के बीच में ऐसी खाई जिसे कोई पाट नहीं सकता, और ये बात मुझे बहुत बहुत कुरेदती थी और विचलित करती थी। संगीत तो संगीत है, ऐसे भी किस्से सुनते थे जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब ने आगे बढ़ के कहा लता जी के लिए, या बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा लता जी के लिए, ऐसी भी चीजें सुनते थे जहाँ रईस खान साहब ने खुद एक से एक सितार के पीसेस, जितने अमर गाने उसमें उन्होंने सितार बजाया, हरी जी ने, शिव जी ने, पंडित राम नारायण जी ने, सब ने फिल्मों में बजाया है, ये खाई लेकिन किसके, यानी कलाकारों के मन में खाई नहीं थी, समाज ने ये पूर्वाग्रह बना लिया था, ये तो शास्त्रीय संगीत है, फिल्म तो कुछ भी कोई भी कैसे भी। और इसी चिंतन के संग संग जब मैं फिल्म के गानों को सुनती थी, जैसे जैसे मेरी समझ विकसित होती गई
और फिल्म के बीच में रागे राग दिखते चले गए तो मुझे लगता था कि ये सबसे मुश्किल है 3.5 मिनट में एक राग की अवधारणा करना, फिल्म की सिचुएशन को क्रिएट करना, शायर ने जो कहा है वो भी दिखा देना और अभिनेता अभिनेत्री जो भी कहानी में आगे बहने वो भी कहना। ये सबसे कठिन कार्य, बहुत मुश्किल कार्य है, उसका आदर करना होगा। और जिस तरह से राग को पूरी उदारता के साथ वो ग्रहण करते हैं, और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने उस राग के संग बड़ा सम्मान पूर्वक उसका निर्वहन किया है, जिनमें कुछ का नाम लेना चाहूंगी, नौशाद साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, मदन मोहन साहब, सलील चौधरी साहब जो कि फ्यूजन करते थे, सलील चौधरी साहब ने वेस्टर्न खूब फ्यूजन किया है, अनिल विश्वास साहब, कमाल का हमने अपने उस्ताद से राहत अली खान साहब से जब गजलें और ठुमरी दादरा सीखनी शुरू की तो उनकी एक खासियत थी कि वो यमन में मुखड़ा रहता था तो अंतरा केदार में चला जाता था, जोगिया का कुछ है तो वो चारुकेशी है तो वो कहीं और चला जाएगा। और ये सीखते सीखते मुझे लगा कि वो शायद मेरी रियाज के लिए सिखा रहे हैं कि वापस सा पे कैसे आना है, वापस अपने सुर में कैसे कायम रहना है। लेकिन सोचिए आज टेक्निक है, उस जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, 60-50 म्यूजिशियंस के संग एक साथ होती थी और 3-4 बार 2-3 दिन के रियाज के बाद सब लाइव गा करके रिकॉर्ड करते थे। यदि किसी गारा का गाना शुरू हुआ है और गारा से जाकर जमोनी में आकर के वापस गारा में आ रहा है, ये कमाल उस जमाने में किया गया, हमको उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म कहीं ना कहीं उस खाई को पाटेगी, ये फिल्म बहुत सारे भ्रमों को दूर करेगी। मैं आज भी जब अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ तो उसमें एक पॉपुलर जब प्रोग्राम्स होते हैं तो 25 मिनट का एक सेगमेंट रखती हूँ कि लोकगीत जो फिल्मों से लिए गए वो किस किस रागों में है। हेमंत भाई वगैरह ने आप लोगों ने शायद लाइव सुने हो, दरबारी, भैरवी, खमाज और पहाड़ी, ये चार, और कभी कभी सुगम संगीत का होता तो यमन भी। इनमें बहुत सारे हमारे यहाँ लोकगीत हैं या ठुमरियाँ हैं और वो फिल्मों में कैसे, इसको मैं हमेशा प्रस्तुत करती थी और लोग सुन के दांतों तक उंगली भुगतवाते, अच्छा साकी आज मुझे नींद नहीं, ये भैरवी है, अच्छा ये डमडम डिगा ये भैरवी है, ये लोगों को ये कोई भी चंदन सा बदन ये यमन है, या कोई भी जो भी गाना उठाए आप, हम लोग बंदिश सुनते थे, छेड़ो ना मुझे हो बनवारी तू जहां रह चलेगा मेरा साया, ये हम लोग जब सीखते सीखते फिल्मों को देखते थे तो बहुत दाद दिया करते थे। और कह लीजिए कि हम ऐसे गुरुओं से सीखे जिनके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं था, वो बड़े खुले मन से मुक्त मन से दाद देते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स को कि कितना अच्छा देखो राग इन्होंने निभाया है, या ये नहीं कहते थे कि देखो इसमें थोड़ी की बंदिश है और कोमल गला लगता है लेकिन देखो शुद्ध गला लगा दिया ना, वो कहते ठीक है विवादी भी फिल्म का गाना है, ये कोई शास्त्रीय बंदिश नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि वही 700 हैं, वही 1200 हैं, वही 10 ठाट हैं, वही राग रागनी में से समेट कर किसी ने 3.5 मिनट में दी जादू पेश किया है। तो आजकल के बच्चों को जानना चाहिए कि जिन फिल्म के गानों को आप सोचते हैं कि कुछ भी है, ये कुछ भी नहीं है, गोरख कल्याण का एक अनुशासन है, उसमें एक आरोह अवरोह है, वो बागेश्वरी से मिलता है, कहाँ अलग होता है फिल्म के गाने को सुनिए वो सबसे जल्दी। मुझे याद है एक बार आकाशवाणी में कार्यक्रम आता था, नाम मैं भूल रही हूँ, जिसमें शास्त्रीय संगीत की में पकड़ सुनाई जाती थी, आरोह अवरोह संगीत सहिता बंदिश गाते थे और साथ ही साथ फिल्म का एक गाना सुनाते थे, क्यों कि आम फहम इंसान को वो समझ में आएगा, अच्छा ये तो वही है, क्योंकि बंदिशें क्या हैं, राग रागनी का स्वरूप क्या है, कहां से गंधार कैसे वर्जित था इन्होंने लगा दिया ये